हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी मंदसौर जिले के बारे में है। मंदसौर जिले के इतिहास, मंदसौर की जनसंख्या, मंदसौर जिले के सभी पर्यटन स्थल के बारे में है। आज की वीडियो में हम बताएंगे मंदसौर जिला पूरे इंडिया भर में प्रसिद्ध क्यों है और मंदसौर जिले के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बारे में भी बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब वीडियो शुरू करते हैं। मंदसौर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक नगर है और यह जिले का मुख्यालय भी है। चलिए दोस्तों बताते हैं सबसे पहले मंदसौर का इतिहास। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था और यह क्षेत्र दशपुर जनपद के रूप में जाना जाता था। आदिवासी सत्ता ने यहाँ पर कई वर्षों तक शासन किया। भील राजाओं ने दशपुर जनपद पर दीर्घ काल तक शासन किया। मंदसौर जिला 5530 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आजादी के पहले यह ग्वालियर रियासत का हिस्सा था। मंदसौर का कयामपुर गाँव खासा लोकप्रिय है। मंदसौर जिला मंदसौर राजस्थान के चित्तौड़गढ़, कोटा, भीलवाड़ा, झालावाड़ा, प्रतापगढ़ और मध्य प्रदेश के जावरा, रतलाम जिलों से घिरा हुआ है। मंदसौर में हिंदी और मेवाड़ी भाषा बोली जाती है और मालवी भाषा का जो कि मिश्रण है और यहाँ पर साक्षरता 71.64% है। चलिए दोस्तों बताते हैं मंदसौर की जनसंख्या के बारे में। सन 2001 की जनगणना के अनुसार जिले की जनसंख्या 11,83,274 है और जिले में अनुसूचित जाति के 2,12,262 और अनुसूचित जनजाति के 37,526 लोग रहते हैं। अब बताते हैं मंदसौर जिले के उद्योगों के बारे में। यहाँ अफीम का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा किया जाता है और इस कारण भी यह जिला पूरे देश में जाना जाता है। स्लेट पेंसिल उद्योग जिले का महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यहाँ शक्कर उद्योग भी है और पवन चक्की के फार्म की स्थापना के लिए CWET द्वारा जिले के कुछ हिस्सों का मुआवजा किया गया है और जल्द ही वहाँ कुछ फार्मों की स्थापना भी की जाएगी। चलिए अब बताते हैं मंदसौर जिले के शैक्षणिक संस्थानों के बारे में। राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय मंदसौर, हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट मंदसौर, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मंदसौर, मंदसौर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंदसौर, BR नाहटा कॉलेज ऑफ फार्मेसी मंदसौर, शासकीय औद्योगिकी महाविद्यालय मंदसौर। दोस्तों अब जानिए मंदसौर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। सबसे पहले है पशुपतिनाथ मंदिर। यह मंदिर मंदसौर जिले का प्रमुख आकर्षण केंद्र है और यह पूरे विश्व में एकमात्र अष्टमुखी भगवान शिव की प्रतिमा वाला पशुपतिनाथ मंदिर शिवना नदी के तट पर बना हुआ है। चारों दिशाओं में मंदिर के दरवाजे हैं और प्रवेश द्वार केवल पश्चिम दिशा में ही खुलता है। मंदिर में 7.5 फीट ऊंचा शिवलिंग स्थापित है और प्रतिमा के ऊपर के चार मुख शिव के बाल्यकाल, युवावस्था, अधेड़ावस्था और वृद्धावस्था को प्रदर्शित करते हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते रहते हैं और हर साल श्रावण मास में मंदिर परिसर में मनोकामना अभिषेक होता है, जो संपूर्ण भारत के किसी भी शिव मंदिर में नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि भगवान पशुपतिनाथ की यह मूर्ति शिवना नदी से ही निकली है। श्री वही तीर्थ, वही स्थित इस तीर्थ स्थल की स्थापना राजा संप्रति ने की थी। यहाँ भगवान की पार्श्वनाथ की काले रंग की प्रतिमा पद्मासन मुद्रा में विराजमान है और मूर्ति के स्थित पास बाघ की आकृति बहुत सुंदर लगती है। श्री वही पार्श्वनाथ श्वेतांबर जैन तीर्थ नामक ट्रस्ट इस मंदिर को संचालित करता है और मंदिर मंदसौर से 16 किलोमीटर की दूरी पर है। धर्मराजेश्वर, धर्मराजेश्वर मंदसौर से 106 किलोमीटर पर शामगढ़ तहसील में चंदवासा ग्राम के निकट स्थित है। फिर है कुकड़ेश्वर, जैन तीर्थस्थल के रूप में विख्यात यह पवित्र गांव मंदसौर से 86 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ के मंदिर राज्य के सबसे प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। श्री कुकादेश्वर तीर्थ यहाँ का 1050 साल पुराना जैन मंदिर है। मध्य प्रदेश का नीमच जिला इस स्थान से करीब 52 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ भी आप परिवार के साथ घूमने के लिए आ सकते हैं। भानपुरा, यह स्थान मंदसौर से 127 किलोमीटर दूर है। यहाँ शासन करने वाले राजा भानु भील के नाम पर इस स्थान का नाम भानपुरा पड़ा। यहाँ बना एक संग्रहालय मुख्य दर्शनीय स्थल है। संग्रहालय में कला की अनेक दुर्लभ वस्तुओं को संजोकर रखा गया है। उमा महेश्वर, कार्तिकेय, विष्णु और नंदी की आकर्षक तस्वीरों को भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। गांधी सागर बांध, चंबल नदी पर बना यह बांध जिला मुख्यालय से 165 किलोमीटर की दूरी पर है। 7 मार्च 1954 को प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बांध की नींव डाली थी। इस बांध और यहाँ के पावर स्टेशन को बनवाने की कुल लागत 18,40,00,000 रूपए थी। यह बांध 65 मीटर लंबा है और 56 मीटर चौड़ा है। यहाँ के पावर स्टेशन में 23 मेगावाट के 5 टर्बाइन है और इनकी कुल क्षमता 115 मेगावाट है। यहाँ भी आप घूमने
घूमने के लिए आ सकते हैं। परासली मंदसौर जिले का यह गांव मंदसौर से 90 किलोमीटर दूर है। जैन तीर्थ केंद्र के रूप में यह जाना जाता है और इस गांव में राज्य के कुछ लोकप्रिय मंदिर देखे जा सकते हैं। श्री परासली तीर्थ और श्री नागेश्वर तीर्थ यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। अब जानिए बरडिया अमरा के बारे में। मंदसौर जिले का यह गांव श्री बाबा रामदेव मंदिर के कारण काफी प्रचलित है। इस कारण इस गांव को छोटा रीनीचा नाम से भी जाना जाता है। हर साल यहां बाबा रामदेव जी का विशाल भंडारा लगाया जाता है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं कि आप मंदसौर जिले में कहां और कैसे आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायु मार्ग की। उदयपुर का महाराणा प्रताप एयरपोर्ट स्टेशन मंदसौर का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। यह एयरपोर्ट देश के अनेक बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। उदयपुर हवाई अड्डा मंदसौर से 168 किलोमीटर दूर है और इंदौर एयरपोर्ट से भी आप मंदसौर में आ सकते हैं। अब बात करते हैं रेल मार्ग की। तो मंदसौर रेलवे स्टेशन अजमेर रतलाम बड़ी लाइन पर स्थित है। यहां के लिए दिल्ली, अजमेर, जयपुर, मुंबई, उदयपुर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन, हैदराबाद, कोलकाता, कोटा से नियमित ट्रेन मिल जाती है। जिले का प्रमुख कस्बा शामगढ़ दिल्ली मुंबई रेल लाइन से जुड़ा हुआ है। इस रूट पर चलने वाली सभी ट्रेनें यहां भी रुकती हैं। सड़क मार्ग से भी आप मंदसौर में आ सकते हैं। मंदसौर देश के अनेक हिस्सों से राष्ट्रीय राजमार्ग 31 से जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों से यहां के लिए नियमित बसें चलती रहती हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो मंदसौर जिला, मंदसौर जिले का इतिहास, मंदसौर जिले की जनसंख्या, मंदसौर जिले के पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एनके इंडिया ट्रैवल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों।